हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विश्वजीत और आप लोगों को विश्वजीत चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बताने वाला हूँ कि नोकिया, ठीक है, नोकिया 1035 का जो LCD में लाइट नहीं आता है तो हम उसको कैसे ठीक करें, मैं आज आप लोगों को उसी के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों मेरे देख सकते हैं कि इसका एक मेरे पास एक मोबाइल आया था वाटर डैमेज। ठीक है, वाटर डैमेज के बाद में मैं देखा बोर्ड तो ऑन हो रहा है मगर डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रहा है, तो शायद कहीं पे कोई आईसी कहीं से कटा रहेगा, कोई मतलब जो कंपोनेंट्स होते हैं उसका ट्रैक कहीं से मिस हुआ रहेगा। तो उसके बाद में मैं आपको सबसे पहले इसको क्या है मैं चेक करा देता हूँ। ठीक है, देखिए ऑन जब करते हैं फ़ोन को, यहाँ पे देखिए लाइट जलता है। ठीक है, लाइट जलता है मगर जो है डिस्प्ले में कुछ नहीं आता। मैं आप लोगों को फिर से दिखा दूं, ठीक है, ये ऑन हो गया, यहाँ पे सब कुछ आ रहा है मगर जो है डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रहा। उसको हम सॉल्व कैसे करें, तो सबसे पहले तो दोस्तों मैंने इसका जो पुराना डिस्प्ले था मैंने लिया, इसके डिस्प्ले के अंदर में पानी गिनी पूरा चला गया। इसको भी हम चाहे तो ठीक कर सकते थे मगर मैं इसको किया नहीं ठीक। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास अगर पुराना डिस्प्ले उसमें लगा हुआ है, उसका लाइट का प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आप चेक कीजिए कि डिस्प्ले का लाइट सही है कि नहीं। डिस्प्ले का लाइट आपको चेक करने के लिए मैं आपके सामने और एक डिस्प्ले नया लिया हूँ। ठीक है, लाइट चेक करने के लिए आपको क्या करना है, डिस्प्ले को इस तरह से रखिए। इस तरह से रखने के बाद में देखिए लास्ट का एक पॉइंट छोड़ दीजिए, मतलब किधर से लास्ट का पॉइंट छोड़ना है, इस तरफ से लास्ट का पॉइंट छोड़ देना है, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, यहाँ से तो कैमरा में जो फ़ोन से जो कैमरा जो अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो यहाँ का जो सेकंड और थर्ड है, ठीक है, इधर का छोड़ के पहला और दूसरा एक छोड़ देंगे तो दूसरा और तीसरा होता है। ठीक है, मल्टीमीटर को क्या करना है, आपके बजर के मोड पे लेके आना है। बजर के मोड मतलब बहुत लोग तो जानते नहीं बजर मोड क्या होता है, इस पे लेके आना है, बजर के मोड पे, जिससे आपको टू टू का आवाज़ आता है उस पे लेके आना है। वैसे अभी टेक्नोलॉजी के लाके बढ़ रहा है यार, ये नहीं कि सभी गधे हैं, सभी को नॉलेज है, मेरे को ऐसा बोलना नहीं चाहिए, फिर भी मैं क्या फ्रेंडली के जैसा बोल देता हूँ। तो बजर मोड पे लेके आने के बाद में आपको क्या करना है, पहला छोड़ देना है, दूसरा और तीसरे के ऊपर देख लगाना है। ठीक है, एक हल्का सा लाइट आएगा, आपको भी शायद नजर आएगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बार लाइट ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, आपको ब्लैक वाला सेकंड में रखना है और रेड वाला थर्ड में रखना, तब लाइट जलेगा। ठीक है, तो मैं एक यहाँ पे अपना लाइट ऑफ करता हूँ, सॉरी ऑफ नहीं हुआ, यहाँ पे लाइट ऑफ करता हूँ, वो कैमरा का लाइट ऑन है, तो आपको देखना हल्का सा लाइट दिखाएगा, दिख रहा होगा है ना, ये लाइट आ गया तो समझ लेना चाहिए आपका जो डिस्प्ले का लाइट है वो 100% ओके है। प्रॉब्लम जो है बोर्ड में है, इससे क्या होता है हमको हमको ये पता चलता है कि हमारा डिस्प्ले का लाइट प्रॉब्लम है। हम क्या सोचते हैं कभी कभी, हम लोग क्या कर लेते हैं, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा हूँ कि वो किसी से सीख तो लेते हैं, पूछ तो लेते हैं, अदर सर को वीडियो भी देख लेते हैं, वो लोग क्या करते हैं फटाक से वो काम करते हैं, बाद में चेक करते हैं हुआ नहीं, अरे सर ये तो हुआ नहीं, अच्छा नहीं है वीडियो, उल्टा सीधा बताते हैं आपको। तब उस टाइम वो देखने चेक करना चाहिए कि आपका डिस्प्ले का लाइट अच्छा है कि नहीं, क्योंकि कनेक्शन आप सही लगाते हैं, डिस्प्ले में लाइट नहीं आएगा तो जो डिस्प्ले का लाइट का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये डिस्प्ले ओके, मेरा भी ये डिस्प्ले मैंने चेक किया ओके, इसका लाइट कटा नहीं है। आपको क्या क्या करना है अभी मैं आपको कनेक्शन बताता हूँ, पूरी डिटेल से मैं आपको अच्छी तरीके से बताता हूँ। अभी देख लीजिए, इस तरफ का पहला छोड़ दीजिए, पहला तो ग्राउंड होता है। ठीक है, सेकंड और थर्ड को पकड़िए, उसमें अगर आपका पुराना डिस्प्ले रहेगा, ठीक है, आपका अगर ऐसा पुराना डिस्प्ले रहेगा, ठीक है, आप उसमें सोल्डिंग नहीं कर सकते, ब्लेड से क्या कीजिए थोड़ा सा मतलब घस लीजिए, घसने के बाद में ऐसा गोल्ड कलर आ जाएगा तो सोल्डिंग कर लीजिएगा, दो जम्पर लगा लीजिएगा। ठीक है, पहला छोड़ देना है, दूसरा और तीसरा में जम्पर लगाना है। जंपर लगाने के बाद में अच्छी तरीके से आपको जंपर लगाना है, मैं ऑलरेडी यहाँ पे लगा के रखा हुआ हूँ, क्योंकि थोड़ा ये इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा करके मैं ऑलरेडी करके रखा हूँ, क्योंकि करने से क्या होता है टाइम थोड़ा बच जाता है, तो मैं ऑलरेडी जंपर करके रखा हूँ। करने के बाद में आप देख सकते हैं, ये देखिए मेमोरी सॉकेट आपको नज़र आ ही रहा होगा, इसके सामने में जो दो डॉट है, ऐसा गोल्ड कलर का डॉट रहेगा, मैं यहाँ पे सोल्डिंग कर दिया। ठीक है, दो डॉट है, एक डॉट दो डॉट, ठीक है, दो डॉट में आपको कनेक्शन लगाना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो पहला वाला वायर है मतलब फर्स्ट वाला छोड़ के सेकंड वाला वायर है, वो जाके लगेगा आपका फर्स्ट में, मतलब मेमोरी का इस साइड हो गया तो इधर में,
दिखता नहीं है यार मेरे कैमरा में अच्छे से। ठीक है, पहला वाला वायर लगेगा यहाँ पे और दूसरा वाला वायर लगेगा यहाँ पे। ये वायर को मैं निकाल के रखा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है, क्योंकि मैं कनेक्शन किया लगाया था ना इसके लिए। और ये वाला, और बाद में तीसरा वायर को लगाना है दूसरा में, ठीक है, तीसरा वाला वायर को लगाना है दूसरा में। तो मैं अभी इस वायर को लगाता हूँ इसमें, अभी हम इस वायर को लेते हैं, वायर को लेने के बाद में अभी हम इसमें लगा देते हैं, ठीक है। समझ लीजिएगा, अगर आपको पता नहीं चला तो वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाके भी देख सकते हैं। देखिए इजीली मैं कनेक्शन लगा दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में लगा दिया। अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो एक बार यहाँ पे लगा दीजिए, नहीं होता है तो उल्टा करके फिर से चेक कर लीजिए। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको जो है मैं चेक करता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो लाइट है आ गया। मैं आपको शुरू में जो डिस्प्ले के बारे में इसलिए बता दें कि बहुत सारे लोग हैं जो कि डिस्प्ले का लाइट चेक नहीं करते हैं कि वो अच्छा है कि नहीं। उसके वजह से क्या होता है, डिस्प्ले तो आता मगर लाइट नहीं आता। तो इस बात का भी इसमें इस बात को भी थोड़ा ऑब्जर्व कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन में, बहुत सारे डिस्प्ले में जो लाइट ख़राब होता है, हम नया डिस्प्ले लेके आते हैं उसमें भी ख़राब निकलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये बहुत ही ईजी है, बहुत सिंपल है। मैं आप लोगों को अगर अच्छे से समझा पाया तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का लाइक ही सब कुछ है मेरा। अगर आप लाइक करते हैं मेरे वीडियो को, कमेंट्स करते हैं अच्छे अच्छे, तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट और भी होता है कि मैं और भी कुछ अच्छा करूँ। हाँ, मैंने आज ये किया, इसमें मुझे अच्छा लगा, बहुत सारे लाइक्स आए, बहुत सारे कमेंट्स आए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं और ही कुछ नया करूँ, कुछ दूसरे तरीके से। तो दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। तो थैंक यू।